पति कैलाश शाह ने ही अवैध संबंध को लेकर उतारा था पत्नी जूली को मौत के घाट। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र कुप्पा घाट के पीछे पुल पर 26 साल की महिला जूली की गला रेत कर पति ने हत्या की वारदात को सुबह अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही कर दिया है। हत्या में प्रयोग किए गए हथियार के साथ हत्यारे पति अशोक शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की सूचना के बाद से ही वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की मॉनिटरिंग में जांच की जा रही थी। पुलिस ने जब महिला के पति से पूछताछ की तब उसने हत्याकांड की सारी घटना बता दी। वही हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद भी उसने स्वीकार कर ली। पति को अपनी पत्नी पर शक था कि वो अन्य लोगों से मोबाइल पर बात करती है। इसी के शक पर जब मृतका मोबाइल से देर रात किसी से बात करने के लिए घर के बाहर निकली, उसी क्रम में पति के द्वारा हत्या कर दी गई और पत्नी का मोबाइल लेकर उसका सिम निकाल कर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस अब आरोपी को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने की बात कही है। बहुत भी धन्यवाद सर। इसमें आज सुबह बरारी थाना में सूचना मिली थी कि एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जब घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की गई तो महिला के पति ने के घर में महिला का भाई भी तला के रुका हुआ है। महिला के पति से जो पूछताछ हुई उसमें ये शक हुआ कि महिला के पति कहीं इसमें कुछ ना कुछ रोल है। जब और गहराई से जाँच की तो महिला के पति ने बताया कि महिला काफ़ी लोगों से फ़ोन पर बातचीत करती थी और इनको उनके ट्रैक्टर पर पहले से शक था। और थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई कि महिला का मोबाइल आपके घर में कैसे मिला और महिला का सिम कैसे गायब हुआ। उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और विस्तार से उन्होंने बताया कि आधी रात में महिला फ़ोन करने के लिए बाहर निकली थी और ये महिला को ढूंढने निकले तो फिर जब उसको उसको अपनी पत्नी वहीं पर दिखाई दी फ़ोन पर बात करते थे। उन्होंने उससे पूछताछ की और मन में पहले से शक था कि महिला का संबंध कुछ अन्य लोगों से, इसी शक के चलते रात में उन्होंने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद एफ एस सी टीम को बुलाया गया घटनास्थल पर। टीम ने इनके कपड़ों से भी उनके दांत बरामद किए। इनसे जो चाकू इस्तेमाल किया गया था हत्या में वो चाकू भी बरामद हो उसके लिए उनके दाल मिले। इसके अलावा पूरे केस पर गहन कर लिया गया। घटनास्थल से उनका नमूना भी ऑफिसर ने लिया। जल्दी ही ऑफिसर की रिपोर्ट लेकर इसमें हम लोग न्यायालय में समर्पित कर इस केस को स्पीडी ट्रायल में। इसका कोई आपराधिक हिस्ट्री भी था क्या? इसका अभी तक कोई ज्ञात आपराधिक इतिहास नहीं है। चाकू कहाँ से आया था सर? चाकू इन्होंने प्रोक्योर किया है, पहले से इनके मन में था ही अशक था उसको इन्होंने तैयारी के साथ रखा हुआ है। केस नेम्ड हुआ है? केस तो अभी पुलिस इनके जो महिला है उनके परिजन के प्लान कर रखा है। यानी कुल मिलाकर के माना जाए कि उद्भेदन हो गया।